हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। फ्रेंड्स, बेसिक इन्फो की सीरीज में एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। टाइटल देख सकते हो, रिगार्डिंग द इंक्रीमेंट्स इन गवर्नमेंट जॉब्स। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है फ्रेंड्स कि सर अभी जॉब ज्वाइन करने वाले, स्पेशली जो रिसेंट रिक्रूटमेंट वाले हैं, प्लस कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं एंड देन स्टिल दे आर नॉट अवेयर कि सर इंक्रीमेंट किस बेसिस पे होता है, क्या क्या टर्म्स क्लॉज रहते हैं जिस बेसिस में हमको शॉर्ट ऑफ इंक्रीमेंट मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं बता दूं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जनरली ईयरली इंक्रीमेंट आपको 3% का होता है, जो बेसिक है दैट विल बी इंक्रीज टू 3% इन द नेक्स्ट ईयर। अब सबसे पहला क्लॉज ये होता है कि अगर कोई रीसेंट ज्वाइनिंग वाले हैं उनके लिए एक स्पेशल कंडीशन बोला जाए या एक बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग इंक्रीमेंट इज कि मिनिमम ऑफ 6 months ऑफ सर्विस एटलीस्ट उनकी कंप्लीट होनी चाहिए अप टू द डेडलाइन फॉर द इंक्रीमेंट। एंड व्हाट इज दिस डेडलाइन? डेडलाइन बेसिकली होते हैं फ्रेंड्स आइदर 1st of January और 1st of July। साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगने के चांसेस होते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि कैंडिडेट ने किस कंडीशन में और किस डेट पे ज्वाइनिंग ली है। सो फॉर एन एग्जांपल, एट प्रेजेंट अगर इस मंथ का हम लेके चलें तो इफ ही और शी एनीबडीज, जो भी कैंडिडेट किसी भी जॉब में ज्वाइन करते हैं, अगर वो 30 June के पहले ज्वाइन कर लेते हैं, दैट इज द डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू द पर्टिकुलर ज्वाइनिंग ऑफिस, इफ इट इज बिफोर 30th of June, he or she will be getting the increment on 1st of January. That means 6 months का minimum आपको continuous job होना चाहिए। हाँ, condition is if somebody takes the extension, अगर कोई extension पे जाता है या in between उसको और भी कोई problems है तो उन्होंने job join नहीं किया, after 1st of July अगर कोई join करता है, in that case for all those candidates उनके लिए एक mandatory condition हो जाएगी कि उनको फिर increment next आपको मिलेगा, that is 1st of July को। जिन्होंने ज्वाइन किया है 30 जून के पहले उनको इंक्रीमेंट के चांसेस उनके बनते हैं 1st of January को, जो 3% का एनुअल इंक्रीमेंट उनको मिलना है। जो कैंडिडेट 1st of July से ज्वाइन करेंगे उसके बाद उनको इंक्रीमेंट मिलेगा फिर देन नेक्स्ट 1st of July 2022 को। कंडीशन इसलिए बता रहा हूं फ्रेंड्स बिकॉज बहुत लोगों को क्लियर होता नहीं है एंड ड्यू टू दैट दे मे फेस सम फाइनेंशियल लॉसेस। फाइनेंशियल लॉसेस इसलिए होता है, डिपार्टमेंट बेसिकली अपनी चीजों को ऐसा प्रोसेस जरूर कर देता है, बट वो प्रॉपरली और टाइमली अगर वो बंचिंग नहीं हुआ देन यू मे फेस लॉसेस, और वो आपको अभी नहीं बट आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। सेम कंडीशंस जो फिलहाल जॉब में है उनके साथ अगर ऐसा हुआ है दैट दे मे सी देयर ज्वाइनिंग कंडीशंस, कब उन्होंने ज्वाइन किया था और उनको ज्वाइनिंग में इंक्रीमेंट कब मिला है। बिकॉज ये 6 months का क्लॉज बेसिकली बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, इंक्रीमेंट आपकी 1st of July को ही होगी, ऐसा कंडीशन रखा जाता है, बट ऐसा कहीं भी नहीं है। CCS रूल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे, प्लस जो एक बेसिक रेफरेंस बुक है स्वामी हैंडबुक जिसको हम बोलते हैं फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अगर वो बुक में भी आप लोग देखेंगे तो वहां पे क्लियर कट ये टर्म्स कंडीशन लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग वालों के लिए मिनिमम 6 months ऑफ जॉब, अगर वो ऐसे कंडीशन जो मैंने प्रीवियसली अभी वीडियो में बताया उसको फॉलो अप करेंगे तो इंक्रीमेंट उनका उस बेसिस पे ही मिलेगा। एक कंडीशन और एक मैंडेटरी कंडीशन किसी भी इंक्रीमेंट के लिए जो जनरली बोला जाता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में, वो ये होता है, द कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन द ऑफिस ऑन द डेट ऑफ इंक्रीमेंट। सपोज आपकी इंक्रीमेंट 1 January को लगती है या आपकी इंक्रीमेंट 1 July को लगती है, तो पर्टिकुलरली आपको उस डेट में फिजिकली अपने ऑफिस में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। इफ यू आर एबसेंट फ्रॉम द ऑफिस इंक्रीमेंट नहीं लगता। अब ये ऑप्शन किनके लिए हम हटा सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं? अगर आप मोर देन 3 days ऑफ लीव पे हैं, दैट मीन्स 1st of July को अगर आपका इंक्रीमेंट लगना है, 28th के पहले अगर आप लीव पे हैं, देन इन दैट केस मतलब 3 days का मार्जिन लिया जा रहा है, 3 days से ज्यादा अगर आपकी लीव कंटिन्यू है एंड यू आर गोइंग टू रीच द ऑफिस आइदर ऑन 1st or after 1st of July, देन इन दैट कंडीशन यू मे बी एक्सेप्टेड कि आपका इंक्रीमेंट लगेगा, आपको एब्सेंट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। बट एग्जैक्टली अगर कोई 30 जून तक या सपोज 31st of December तक ऑफिस कंटिन्यू करता है 1st of January or 1st of July, इफ ही और शी इज एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी, फिजिकली एब्सेंट फ्रॉम द ऑफिस, देन उनका इंक्रीमेंट रोका जा सकता है। बिकॉज इन एवरी ऑफिस एक रिपोर्ट जाती है रिगार्डिंग योर प्रेजेंस स्पेशली ऑन 1st of January and 1st of July, देन दैट रिपोर्ट इज टैलीड विद द इंक्रीमेंट जिसका आप लोगों का जो भी कैंडिडेट्स का भेजा जाता है टू हायर अथॉरिटी फॉर अकाउंट्स वालों के लिए फॉर द क्लियरेंस, और वो अटेंडेंस एंड दैट पर्टिकुलर इंक्रीमेंट इज टैलीड कि वो बंदा प्रेजेंट था कि नहीं था, नहीं होने पे इंक्रीमेंट भी रोका जा सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट में सैलरी नहीं रुकती, होती है, बट टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से अगर जो भी चलते हैं या ऐसा बना के भेजा जाता है तो उस कंडीशन में वो सेफ रहते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो जिनको भी अच्छे लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं हमेशा आप लोग के प्रिपेयर करते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।